नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। अब आप देखने वाले हैं भारत की बात। देश की हर बड़ी खबर पर आज हमारी नजर होगी। हरियाणा के चुनावी नतीजे के बाद इस पर मंथन का दौर चल रहा है। आज दिल्ली में कांग्रेस ने इस पर बड़ी बैठक की। इसमें राहुल की फटकार चर्चा में रही, आपको बताएंगे पूरी खबर। साथ ही होगी बात समाजवादी पार्टी के यादव कार्ड की। आज शिपाल यादव ने कांग्रेस की गलतियां गिनाते हुए क्यों चला यादव कार्ड। बात दिल्ली के उस बंगला संग्राम की भी करेंगे जिस पर चल रही तकरार आर पार तक पहुंच गई है और इसमें महिषासुर की भी एंट्री हो गई। लेकिन सबसे पहले बात हार पर राहुल गांधी की फटकार की। हरियाणा में हार की वजह तलाशने के लिए हुई कांग्रेस की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने मिलकर मंथन किया। पार्टी के कई दूसरे दिग्गज भी इसमें मौजूद थे। सूत्रों की माने तो मीटिंग में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा के पार्टी अध्यक्ष उदय भान को भी आना था, लेकिन वो नहीं आए। चर्चा के दौरान राहुल ने दो टू कह दिया कि हरियाणा के नेताओं ने पार्टी में ज्यादा चुनाव में अपने हित को ऊपर रखा। इसे हुड्डा और कुमारी सैलजा जैसे नेताओं के लिए संदेश माना जा रहा है। हरियाणा में कांग्रेस की हार क्यों हुई, इस पर पार्टी ने दिल्ली में राहुल गांधी की अगुवाई में मंथन किया। समीक्षा वाली यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई। सूत्रों के मुताबिक इसमें राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि हरियाणा में हार इसलिए हुई क्योंकि नेताओं ने पूरे चुनाव में पार्टी से ऊपर अपने हितों को रखा। बैठक से और क्या निकला, इस पर पार्टी ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन गुटबाजी को एक वजह मानने से इनकार भी नहीं किया। विस्तार से हरियाणा के चुनाव की समीक्षा करी, जो एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे, जो नतीजे आए उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। बहुत सारे कारण हैं, चुनाव आयोग से लेकर के आपस में मतभेद से लेकर के बहुत सारी चीजें हैं। दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में मिली हार पर मंथन के लिए हुई बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद नहीं थे, न ही कुमारी सैलजा यहाँ मौजूद थी और न ही रणदीप सुरजेवाला। तो फिर सवाल है कि मीटिंग में कौन नेता थे। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पर्यवेक्षक अशोक गहलोत और अजय माकन के साथ पार्टी के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया शामिल थे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाएगी जो हरियाणा के सभी उम्मीदवारों से बात कर हार की वजहों का पता लगाएगी। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिलचस्प बात यह भी है कि पार्टी गुटबाजी को हार की वजह मानने से इनकार नहीं कर रही। ये देखिए, गुटबाजी, जातिगत समीकरण, ये सब सुपरफ्लूस बातें हैं। आप हम सब करते हैं क्योंकि सब देख रहे थे भाई, वहां तो कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। असली जो है फॉलोअप होगा मीटिंग के बाद में, जो हमने तय किया। अब इस सवाल पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कांग्रेस आलाकमान प्रदेश के नेताओं के साथ कब मंथन करेगा, क्योंकि हुड्डा के विरोध में उठ रहे सुर तेज हो चले हैं। ओबीसी में झुंझुना पकड़ा रखा है कि ये हमें सिर्फ जो है नामचारे का बना रखा है, हमें कोई पूछता नहीं है। जाति जनगणना राहुल जी की फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनकी बात को लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे बयान एक साथ कई इशारे दे रहे हैं। उधर बीजेपी को कांग्रेस पर चुटकी लेने का पूरा मौका मिल गया है। क्योंकि राहुल गांधी को तो बता नहीं सकते हार का जिम्मेदार, तो वो इसलिए ढूंढते रहते हैं कि निर्वाचन आयोग हार का जिम्मेदार है, ध्रुवीकरण हार का जिम्मेदार है, ईवीएम हार का जिम्मेदार है। अरे, हार के असली जिम्मेदार जो है वो राहुल गांधी है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां कांग्रेस के सहयोगी दल ही उस पर तीखे तंज कर रहे हैं। आज मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि थी। इस मौके पर पूरा समाजवादी परिवार सफाई में मौजूद था। यहां अखिलेश यादव और शिपाल भी थे। इसी दौरान शिपाल यादव ने हरियाणा का जिक्र कर कांग्रेस पर तीखे तीर दाग दिए। यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन करती तो वहां यादव वोट बीजेपी को नहीं मिलते। इस दौरान यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस से गठबंधन पर भी बड़ा बयान सामने आया है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पुण्यतिथि पर पूरा समाजवादी परिवार सैफई में जुटा। अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, तेज प्रताप यादव और साथ में पूरा सैफई परिवार, सबने नेताजी के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प लिया और साथ ही पार्टी ने कर दिया यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में आर पार का ऐलान। करेल के लोगों का जो जुड़ाव है चुनाव में भी, मुझे उम्मीद है कि भारी संख्या में वोट देकर समाजवादी पार्टी को जिताएंगे।
मुलायम की जन्मभूमि से पार्टी ने विजय का बिगुल बजाया तो पूछा गया कि कांग्रेस का क्या करेंगे। 10 में से 6 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। अब बाकी 4 में से कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? समाजवादी पार्टी ने इस सवाल पर सिर्फ इतना कहा कि गठबंधन बना रहेगा। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सवाल है, गठबंधन तो रहेगा, लेकिन क्या इसकी शर्तें सिर्फ समाजवादी पार्टी तय करेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि पार्टी ने बुधवार को जिन 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, उनमें से 2 सीटें मझुआ और फूलपुर पर कांग्रेस की दावेदारी थी, लेकिन अखिलेश ने राहुल की पार्टी के दावे को किनारे कर अपना प्रत्याशी उतार दिया। अब अखिलेश ने भी कहा है कि गठबंधन बना रहेगा। चाचा शिवपाल यादव ने भी यही दोहराया, लेकिन साथ ही कांग्रेस पर तीखे तंज कर डाले। अब की बार ऐसा मौका था, अगर गठबंधन कर लिए होते तो हरियाणा में बड़ी जीत होती। अगर कुछ सीटें दे दिए होते तो पूरे हरियाणा में यादव समाज का वोट और जो पीडीए का वोट था पूरा का पूरा कांग्रेस के पक्ष में जाता। निर्णय होते हैं, कभी कभी भूलें होती हैं, लेकिन हम लोग इस गठबंधन को बरकरार रखेंगे। भले समाजवादी पार्टी हरियाणा का जिक्र कर बार बार कांग्रेस पर गलती करने के आरोप लगा रही है, बावजूद इसके यूपी कांग्रेस कह रही है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जो आज ये चल रहे हैं पूरी तरीके से फर्जीगिरी जो चल रही है, जो आज जंगल राज चल रहा है, इसको मिलकर हटाना हमारा ध्येय है, हम हटाएंगे। दरअसल हरियाणा चुनाव में वोटिंग से जुड़े एक आंकड़े की वजह से समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पर निशाना साधने का बड़ा मौका मिल गया है। ये आंकड़े CSDS के सर्वे के हैं, जिसके मुताबिक हरियाणा में 62% यादवों ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि सिर्फ 25% ने कांग्रेस को वोट दिया। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर कांग्रेस हमसे गठबंधन करती तो यादवों के वोट बीजेपी को नहीं जाते। हालांकि शाम को अखिलेश यादव का नया बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बाकी बची हुई 4 सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बातचीत के बाद विचार करेगी। सभी विधानसभाएं इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतेगी, बची हुई सीटों में बातचीत करके विचार करेंगे। और अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री के बंगले पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच छिड़ा सियासी विवाद आगे बढ़ गया। आतिशी से सीएम हाउस खाली कराए जाने को आम आदमी पार्टी नवरात्र के दौरान महिला मुख्यमंत्री का अपमान बता रही है, तो बीजेपी महिषासुर की याद दिला रही है। सीएम हाउस से बेदखल हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बंधे सामान के बीच बैठकर पहले फाइल पर साइन किए, फिर वीडियो जारी हुआ और लगे हाथ बंगला विवाद पर पहली बार मुख्यमंत्री आतिशी का बयान आया। आम आदमी पार्टी के मंत्री मुख्यमंत्री आवास बड़े बंगलों के लिए बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करने आए हैं। अगर हमें जरूरत पड़ेगी हम सड़क पर बैठकर भी दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। ये सारे बंगले भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो, हम दिल्ली वालों के दिल में रहें। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर महिला मुख्यमंत्री के अपमान का आरोप लगाया, हवाला दिया नवरात्रि का, तो जवाब भी उसी अंदाज में मिला। माँ दुर्गे को याद करने का नवरात्रि का ये समय है और ऐसे समय में एक महिला मुख्यमंत्री का आपने जो अपमान किया है, माँ दुर्गे भी आपको सबक सिखाएंगी। माँ दुर्गा का एक रूप अष्टमी में यह भी देखने को मिलता है कि जब वो महिषासुर का वध करती हैं, तो भ्रष्टाचार के महिषासुर का वध तो हो ही रहा है। इस विवाद की वजह है सिविल लाइंस के फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला नंबर 6, जिसमें 2 दिन गुजारने के बाद आतिशी को ठेले पर सामान लेकर बाहर निकलना पड़ा। अब ये बंगला सील हो चुका है। बीजेपी का इल्जाम है कि केजरीवाल का करप्शन छिपाने के लिए आतिशी को गलत तरीके से बंगले की चाबियां सौंपी गई थी। नहीं, अय्याश गाह में क्या लगाया वो एक बार दिखाना चाहिए। उसी बंगले को क्यों छुपाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की, एक बार कैमरे पे दिखा दे कि उस बंगले में है क्या। आखिर ऐसे कौन से राज दफन है जो संजय सिंह और सारी पार्टी की पार्टी उसे छुपाने में लगी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बंगला विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। विधायकों का फंड 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए सालाना कर दिया। ये ऐलान तब किया गया
जब दिल्ली के राजकोष पर घाटे का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के वित्त विभाग के मुताबिक 2024-25 के अंत तक दिल्ली को 7000 करोड़ का घाटा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 31 साल में दिल्ली पहली बार घाटे में होगी। अरविंद केजरीवाल के 10 साल के आर्थिक मिसमैनेजमेंट का रिजल्ट है कि दिल्ली में पहली बार 2024 का जो बजट लाया गया है वो 7000 करोड़ का घाटा है। दिसंबर आते आते अपने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा भी नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि दिल्ली सरकार घाटे की तरफ बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी के सारे जो राज्य हैं इनके द्वारा शासित, वो हजारों करोड़ रुपए के घाटे में और हजारों करोड़ रुपए का लोन है उनके ऊपर। और अब वो खबर जिसने हर किसी को गमजदा कर दिया। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को आज देश ने आखिरी विदाई दी। मुंबई में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। विवादों से हमेशा दूर रहने वाले रतन टाटा को अजात शत्रु कहा जाता था। आज जब उन्हें अंतिम सलामी दी जा रही थी, हर आंख नम थी, हर दिल में दर्द था। ये उस अनमोल रतन को खोने की वजह से था जो सदियों में देश को कभी कभी मिलता है। भारत का अनमोल रतन गया तो शोक की लहर सात समंदर पार कर गई। मुंबई में मंत्रालय का तिरंगा झंडा झुक गया। गोरेगांव में नवरात्र का उत्सव थम गया और जर्मनी में दिलजीत के मंच पर संगीत जम गया। अग्नि ने पार्थिव शरीर को छुआ तो वक्त का बेरहम दस्तूर देख अरब सागर पर ढलता सूरज भी ठहर सा गया। देश के उद्योग जगत में विवादों से हमेशा दूर रहने वाले महानायक को खोया तो हुक हर कलेजे से उठी। श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में का पथ दर्शक बनेगी। अंतिम विदाई को संसार में लोकप्रियता का सबसे बड़ा पैमाना कहते हैं। रतन टाटा गए तो ये बात एक बार फिर साबित हो गई। आखिरी नमन के लिए राजनेता से लेकर उद्योगपति तक, अमीर से लेकर गरीब तक सबका तांता लगा रहा। टाटा को नैनो कार से लेकर एयरलाइंस तक और नमक से माइक्रोचिप्स तक का विस्तार देने वाले रतन टाटा अमीरों की लिस्ट में भले ही ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन दानवीरों में सबसे आगे रहे और जब तक रहे सबके रहे। जब विदा हुए तो दिलों से उठे दर्द ने दलों की दीवार गिरा दी। कि देश पहला उसके बाद बिजनेस, तो इस ढंग से काम करता था और वो मैं अपने हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं, समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है, ईमानदारी से अपना व्यापार करके लोगों की सेवा कैसे की जा सकती है, अपने व्यापार का विस्तार कैसे किया जा सकता है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा ग्रुप। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां उमर अब्दुल्ला को आज नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सिर्फ उनकी ताजपोशी बाकी है, लेकिन इससे पहले ही उनकी पार्टी पर गुंडागर्दी के आरोप लगने लगे। पीडीपी ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थक उनके कार्यकर्ताओं के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उमर अब्दुल्ला हौसले से भरे दिखे। दरअसल 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 42 विधायक चुनकर आए हैं और अब चार निर्दलीय विधायकों ने भी उमर को समर्थन दे दिया है। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में विधायकों की संख्या 46 पहुंच गई है। अब उमर सहयोगी दल कांग्रेस की तरफ से समर्थन की चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ बात कर रहे हैं ताकि उनकी चिट्ठी आ जाए। कांग्रेस की चिट्ठी आ जाती है तो फौरन जाएंगे। आज का दिन हमने दिया कांग्रेस को, वो अपना कार्रवाई कर ले।
एक तरफ उमर अब्दुल्ला नई सरकार की तैयारियों में जुटे हैं, तो दूसरी ओर पीडीपी उन पर तूफानी हमले बोल रही है। पार्टी का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता उनके समर्थकों पर हमले कर रहे हैं। मेरा उमर साहब से सवाल है कि आपकी इतनी जो भारी अक्सरियत आई है, क्या वो गुंडागर्दी करने के लिए आई है? पीडीपी के वर्कर्स हैं, उनके घर की जो दीवारें हैं उनको पत्थर से तोड़ा जा रहा है, बकरियां हैं, गाय हैं, उनको चुराया जा रहा है। आप मेरे वर्कर को छुएंगे नहीं। क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। कोई बिजनेस लीडर बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है, ईगो होता है। इनमें बिल्कुल उल्टा था। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि रतन टाटा के नेतृत्व में जो टाटा समूह का आज विस्तार हुआ दुनिया में, उसमें कहीं कोई एक चीज और मतलब राजनीति की या ऐसी कोई चीज का कहीं कोई चर्चा या उठे। क्या आपको याद है कि किसी उद्योगपति के निधन पर पूरा देश एक साथ रो उठा हो? कल रतन टाटा के जाने की खबर हिंदुस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। 86 साल के रतन टाटा ने मुंबई में आखिरी सांस ली। उन्हें विदाई देने के लिए मुंबई की सड़क पर जन सैलाब सा दिखाई दिया। राजनीतिक जगत हो या फिर उद्योग और फिल्म, तमाम मशहूर हस्तियों ने रतन टाटा को आखिरी प्रणाम किया। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनका कोई शत्रु नहीं था। टाटा ग्रुप को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने वाले रतन टाटा अपने बिजनेस से ज्यादा देश के लिए सोचते थे। रतन टाटा ने लोगों को सिखाया कि भरोसे का मतलब क्या होता है, और यही वजह है कि आज उनकी आखिरी विदाई पर हिंदुस्तान में मातम का माहौल है। रतन टाटा मतलब भरोसा। रतन टाटा मतलब ईमानदारी। रतन टाटा मतलब उसूल और आदर्श। रतन टाटा मतलब देश। हिंदुस्तान का एक ऐसा उद्योगपति जिसने अपने बिजनेस में मुनाफा तो कमाया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा देश का मान बढ़ाया। टाटा समूह को एक नए शिखर पर रतन टाटा ले गए। दुनिया के लगभग 100 देशों में अपने कारोबार का विस्तार किया, और इस वर्ष मार्च 24 में उनका रेवेन्यू 165 बिलियन डॉलर्स, ये टाटा समूह का रेवेन्यू। रतन टाटा जिसके पास अकूत धन संपत्ति थी, लेकिन उस संपत्ति के लिए रत्ती भर भी गुमान नहीं था। ऐसे बहुत कम इंडस्ट्रीज होते हैं जो अपना नहीं सोचते और दूसरों का भी सोचते हैं, वो दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखते। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने वाला एक ऐसा नाम जो पैसा और पावर होते हुए भी विनम्रता से जीवन जीने की अद्भुत मिसाल बन गया। देश ने अपना एक रत्न खो दिया है, और उनका नाम था रतन टाटा। किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। रतन टाटा की उम्र 86 साल थी, लेकिन ये उनकी कमाई है कि उनके जाने पर देश का 70 साल के बुजुर्ग से लेकर 20 साल तक के युवा तक को पीड़ा महसूस हो रही है। बहुत ज्यादा सोबर थे, फ्रूगल थे, और देश के हित में सोचते थे। इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और 100 कंट्रीज में जिसके बिजनेस है, ऐसे आदमी को मैंने बिजनेस मैन में कॉर्पोरेट इसमें नहीं देखा। ये तस्वीरें देखिए जो बुधवार रात को आई, जब मुंबई के गोरेगांव में रतन टाटा के निधन की खबर आते ही अलग अलग पंडाल में गरबा रोक कर देश के रत्न को लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी। दलजीत जर्मनी में थे जब उन्हें रतन टाटा के निधन की खबर मिली। दलजीत ने बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस रोक कर स्टेज से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी थी। मैं आज
जिन्हों को उन्होंने बारे पढ़िया सुनिया, मैं अज तक उन्होंने बारे कदे नहीं देखा कि उन्होंने किसी बारे बुरा बोलिया हो। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ मेहनत की, हार्डवर्क किया, चंगा काम किया, किसी के काम आए। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जे अज असीं उन्हां दी लाइफ तो कुछ सीख सकते हैं रतन टाटा जी तो मतलब यही सीख सकते हैं कि मेहनत करनी, चंगा सोचना, किसी बारे काम आना। रतन टाटा कहते थे कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। अपने जीवन में ये बात उन्होंने एक बार नहीं बार बार साबित करके दिखाई। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे जो न सिर्फ अपने लिए सपने देखते थे बल्कि देश के आम लोगों के लिए भी सपने देखते थे और उन सपनों को सच करके भी दिखाते थे। रतन टाटा ने उन लोगों के लिए लकटकिया कार का सपना देखा था जिनके लिए कार बहुत दूर की सवारी थी। नैनो का आइडिया रतन टाटा को क्यों आया था ये उन्होंने एक बार खुद बताया था। मैं रतन टाटा बोल रहा हूँ। नैनो को लेकर अगर बात करें तो मैंने मुंबई में भारी बारिश के बीच एक परिवार के चार लोगों को बाइक पर सफर करते देखा था। मैं ऐसे परिवार के लिए कुछ करना चाहता था जो विकल्प नहीं होने की वजह से अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे थे। जब हम नैनो को लॉन्च करने को तैयार हुए तो इसकी कीमत बढ़ गई थी, लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया। मुझे अपने फैसले पर गर्व है। रतन टाटा, आपकी सोच और आपके सिद्धांतों पर पूरा देश गर्व करता है कि हमारी जमीन पर आपके जैसे उद्योगपति ने जन्म लिया जो इतनी दौलत होने के बावजूद सादगी की अद्भुत मिसाल बन गया। एक असली सच्ची सादगी, सीधापन और एक जो सिंप्लिसिटी होती है, दैट वाज अ कंप्लीटली यूनिक ऑफ मिस्टर रतन टाटा। मुझे याद है जब दूसरी बार किताब के लिए मुलाकात उनकी जब तय हुई थी तो उनसे आधे घंटे पहले उनके कार्यालय का स्वीय सचिव का फोन आया कि थोड़ी सी देर होगी, आपको चलेगा ना। ये जो सामने वाले आदमी की वक्त का भी एक अहमियत रखना, इतने बड़े पावरफुल पोजिशन के होने के बाद भी, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक टू टाटा। जरा सोचिए, टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स की जिम्मेदारी एक साथ संभालने वाले रतन टाटा को इस बात का ख्याल रहता था कि कोई उनके लिए 30 मिनट तक इंतजार न करे। कि वो तो व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थी और उनकी जो लीगेसी है वो लीगेसी तो केवल इस शताब्दी में नहीं, दूसरी शताब्दी और सेंचुरीज तक मेरे ख्याल में चलती रहेगी। रतन टाटा को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम बधाई दी गई। राजनीति जगत से लेकर उद्योग और फिल्म जगत के बड़े बड़े नाम रतन टाटा को अंतिम बधाई देने के लिए पहुंचे थे। रतन टाटा के शव को तिरंगे में लपेटा गया था और तिरंगे में लिपटे हुए रतन टाटा की ये तस्वीर बता रही थी कि उन्होंने देश को क्या दिया है। रिसर्च और इनोवेशन पे उनका बहुत जोर था। उनको ऐसे नहीं था कि मेक इन इंडिया बनाना है तो कोई पार्ट यहाँ इंपोर्ट कर ले और उसको असेंबल कर ले, असेंबल्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया एज असेंबल्ड इन इंडिया, नहीं, मेक इन इंडिया एज इन्वेंट इन इंडिया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें करीब 17 साल पुरानी हैं, जब रतन टाटा फाइटर जेट F-16 उड़ा रहे थे और उस वक्त रतन टाटा की उम्र 69 साल थी। इस तस्वीर का जिक्र इसलिए क्योंकि रतन टाटा कहते थे कि हम लोग इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं। जीवन का आनंद ले, इसे गंभीर न बनाए। उन्होंने कहा था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी जी में सीधी रेखा का मतलब है कि हम जिंदा नहीं हैं। रतन टाटा ने सिर्फ देश के लिए मौके नहीं बनाए बल्कि देश में रहकर पूरे विश्व के लिए मौके बनाए। देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में रतन टाटा की अहम भूमिका है। मैसूर में जो सिल्क आता है, जब आप कई बार बेंगलोर मैसूर जब घूमने जाते हैं तो आते वक्त सिल्क की साड़ी या सिल्क के कुर्ते वगैरह लेते हैं, वो सिल्क टाटा की वजह से वहां पे आया है। महाबलेश्वर में बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग जाते हैं ठंडी
जगह है, एक हिल स्टेशन है, वहां से स्ट्रॉबेरीज आते हैं, जाते हुए फेमस है वहां की, वो स्ट्रॉबेरीज वहां में टाटा की वजह से आई। वो जो रतन टाटा का हुनर ऐसा था कि वो जिस बिजनेस को छूते उसे सोना बना देते। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा दान में दे देते थे। रतन टाटा अमेरिका में सेटल होना चाहते थे, लेकिन दादी की तबीयत खराब हुई तो देश वापस चले आए और इसके बाद अपने पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर की शुरुआत की। टाटा ग्रुप देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े घरानों में से एक है। रतन टाटा देश के लिए एक बड़े और कामयाब उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के जरिए निजी क्षेत्र में वो परोपकारी काम करने में सबसे अग्रणी रहे हैं। वो साल 1991 था जब टाटा ग्रुप की कमान रतन टाटा के हाथ में आई थी, और जब रतन टाटा ने इस ग्रुप की कमान संभाली तो कंपनी का टर्नओवर महज $4 बिलियन था, जिसे रतन टाटा $160 बिलियन के पार ले गए। पिछले कई समय से, जब से उन्होंने टाटा सन्स की चेयरमैनशिप संभाली है, टाटा सन्स में वेल्थ क्रिएशन जो है 20 गुना बढ़ा है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि रतन टाटा ने जब 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी तो पुराने अधिकारियों ने टाटा को गलत विकल्प बताया था, और उस दौर को याद करते हुए रतन टाटा ने जो कहा था वो सुन। 1991 में जेआरडी ने पहले टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पद से और फिर टाटा सन से इस्तीफा दिया तो इसकी तीखी आलोचना हुई। ऐसे और भी लोग थे जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्होंने गलत फैसला लिया है। मैं पहले भी इससे गुजर चुका था, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे सबसे अच्छा लगा, चुप्पी बनाए रखी और खुद को साबित करने पर ध्यान केंद्रित किया। आलोचना व्यक्तिगत थी, जेआरडी को भाई भतीजावाद के साथ जोड़ दिया गया और मुझे गलत विकल्प बताया गया। और फिर हिंदुस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देखा कि कैसे रतन टाटा ने खुद को टाटा ग्रुप के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित करके दिखाया। टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया, और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है, उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। साल 2000 में टाटा ग्रुप ने $45 करोड़ में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को खरीद लिया था। इस खरीदारी के बाद टाटा दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी में शुमार हो गई थी। ये किसी भारतीय कंपनी की पहली विदेशी खरीदारी थी, और इस फैसले ने रतन टाटा की वैश्विक विस्तार की रणनीति को दिखा दिया था। आज दुनिया में सबसे बड़ी चाय की कंपनी, 90% जनता जब सुबह उनका दिन शुरू होता है वो जो चाय पीती है वो भारतीय होती है, भारत में बनी कंपनी की होती है, वो टेटले कंपनी रतन टाटा की वजह से भारत का हिस्सा बन गए। 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। सौदे की कीमत $230 करोड़ थी। शुरुआत में लोग इस सौदे पर सवाल भी उठा रहे थे, लेकिन रतन टाटा ने इसे सही साबित करके दिखाया, और उनके इस एक फैसले ने टाटा मोटर्स को ऑटो सेक्टर में वैश्विक खिलाड़ी बना दिया था। दवाई से लेकर कॉफी तक, और होटल, स्टील, कार से लेकर गहनों तक, बहुत कम ऐसे सेक्टर हैं जहां टाटा ग्रुप ने अपना लोहा नहीं मनवाया। दूसरा महायुद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब जीता तो इंग्लैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, पार्लियामेंट में कहा, हम टाटा की वजह से जीते।
क्योंकि टाटा स्टील ने उनका बचाव किया था, वो जो हमले हो रहे थे तो टाटा स्टील कितना मजबूत होता था कि टाटा स्टील की वजह से हम जीत पाए। रतन टाटा के बिजनेस ने नई ऊंचाइयों को छुआ और उस ऊंचाई में देश के लोगों का भरोसा शामिल था। मरकर भी चमकोगे एक दिन जैसे चांद सितारा, सदा रहेगा जग में रोशन रतन टाटा नाम तुम्हारा। हमको लगता है कि जैसे टॉल लीडर रतन टाटा साहब थे तो दुख ज़रूर है क्योंकि ऐसे लोग एवरीडे बेसिस पे हमको मिलते नहीं हैं, लेकिन खुशी भी इस चीज़ की है कि उन्होंने जितना अपना काम ज़िंदगी में किया है उसका इम्पैक्ट जनरेशन टू जनरेशन देखा जाएगा। लेकिन जो बात रतन टाटा को सबसे अलग बनाती थी वो था उनका व्यवहार। रतन टाटा कामयाब होने के बाद भी जमीन से किस तरह जुड़े हुए थे, ये किस्सा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुनाया था। टाटा का उदाहरण अक्सर बताता हूँ, रतन टाटा इज मेरे बहुत अच्छे मित्र। मेरा पैरेंट पिता था, मैं मुंबई में मलबार हिल पर रहता था, वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते हुए रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर होस्ट। बोला एक काम करो, तुम्हारा फ़ोन ड्राइवर के पास हो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चला। मैंने बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था, तो मैंने वो उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी मंत्री था भाई इसकी बैग पर का टाटा तक, नो नो नितिन दिस इज माय बैग आई विल टेक। रतन टाटा के पिता नवल टाटा थे। नवल टाटा को उनके पिता रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के बेटे थे, लेकिन माता पिता के तलाक का उनके जीवन पर काफी असर पड़ा था। रतन टाटा को उनकी दादी ने पाला था। रतन टाटा ने कहा था कि अगर दादी नहीं होती तो मैं जो हूँ उसका आधा भी नहीं होता। उन्होंने कहा था कि मेरी दादी ने मुझे सच बोलने का साहस सिखाया है। हालांकि रतन टाटा की शादी नहीं हो सकी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि शादी के करीब पहुँचने के बाद भी बात नहीं बनी और कभी कभी अकेला होना उन्हें खलता है। Sometimes I feel lonely at not having a wife or a family, and sometimes I long for it. Sometimes I enjoy the freedom of not having to worry about the feelings of someone else or the concerns of someone else. And at other times it gets very lonely. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।